यूट्यूब मत बहुत जन कमेंट करी भाई आमको किसी कम बताओ जहाँ आम निज मोबाइल साजू एवं किसी पैसा इनकम करूँ। आज मुझे जो आप विषय में कहवाक जाऊँ तहार ना हो ICICI डायरेक्ट। जदि आपन एही ऐप रे रजिस्टर करुछंती एवं एहार लिंक को फेसबुक व्हाट्सएप किंवा इंस्टाग्राम रे शेयर करुछंती ताले आपनको पर 300 टंका मिलि जिवो। जदि आपन 10 जन को रेफर करुछंती ताले 3000 टंका, जदि आपन 50 जन को रेफर करुछंती ताले 15000 टंका, किंवा जदि आपन 100 जन को रेफर करुछंती ताले आपनको 30000 टंका मिलि जिवो। किंतु एथि पई आपनको पाखरे पान कार्ड थिबा दरकार एवं आपनको आधार कार्ड रे मोबाइल नंबर लिंक थिबा दरकार। जदि आपण एही ऐप रे किपरि रजिस्टर करिवे एवं एहार लिंक को शेयर करके किपरि पैसा इनकम करिपारिबे तार स्टेप बाय स्टेप ऑनलाइन प्रोसेस जानबाकु चाहसंती ताहले आपण एही वीडियो को सपन देखंतु। वीडियो टी स्टार्ट हबा पूर्व आपण यदि आम चैनल न आसंती ताहले चैनल को सब्सक्राइब कर दियंतु एवं पाखरे थिबा घंटी बटन को मध्य दबाई दियंतु। चलंतु ट्रेन को वीडियो को स्टार्ट करिबा। डिस्क्रिप्शन रे आम टेलीग्राम ग्रुप रो लिंक मिल जिवो, आपण सही लिंक रे क्लिक करके ग्रुप रे जॉइन हो जाए। तापर आपण एही लिंक रे क्लिक करूँ। जदि ब्राउजर सिलेक्ट करवाई कह जाए आप क्रोम ब्राउजर को सिलेक्ट करेंगे। बर्तमान देखु वेबसाइट ओपन हो जाए, आपणकर मोबाइल नंबर को टाइप कर दिंतु। तापर आप गेट ओटीपी एठारे क्लिक करूँ। बर्तमान आपण मोबाइल नंबर में गोटे ओटीपी जीव, से ही ओटीपी को एठारे आप टाइप कर दिंतु। तापर आप प्रोसीडर क्लिक करूँ। बर्तमान एठार आप साइन इन विथ गूगल एठार क्लिक करूँ। बर्तमान आपणकर इमेल आईडी को सिलेक्ट करवाक पड़ो, एठार आपसी गोटे इमेल आईडी को सिलेक्ट कर दिंतु। तापर कनफर्म रे क्लिक करूँ। बर्तमान एठार आपणकर पान कार्ड नंबर को टाइप करवाक पड़ो। तापर एठार आपणकर डेट ऑफ बर्थ को सिलेक्ट कर दिंतु। तापर एठार आप यस को सिलेक्ट करके एठार आप टिक कर दिंतु। तापर आप नेक्स्ट रे क्लिक करूँ। बर्तमान एठार आप आई कनफर्म एठार क्लिक करूँ। बर्तमान जदि आपणकर ICICI बैंक रे अकाउंट अच्छी तेल आप सिलेक्ट करेंगे, किंवा जदि आपणकर अदर बैंक रे अकाउंट अच्छी तेल आप एनी अदर बैंक अकाउंट यहाँ सिलेक्ट कर दिंतु। तापर आप नेक्स्ट रे क्लिक करूँ। तापर एठार आपणकर बैंक को सिलेक्ट कर दिंतु। आपणकर जो बैंक रे अकाउंट अच्छी आपण से ही बैंक को सिलेक्ट करूँ। मुझे स्टेट बैंक को सिलेक्ट कर देपर एठार आपणकर अकाउंट नंबर को टाइप कर दिंतु। तापर एठार आप IFSC कोड को टाइप कर दिंतु, यह आपणकर पासबुक रु पाइपे। तापर आप एठार सेविंग अकाउंट को सिलेक्ट करके सिंगल को सिलेक्ट कर दिंतु। तापर नेक्स्ट क्लिक करूँ। बर्तमान आपन एठार टिक कर दिंतु। अकाउंट कन्फर्मेशन आपणक अकाउंट में 1 rupees डिपोजिट हो। तापर आप प्रोसीड टू डिजिलॉकर एठार क्लिक करूँ। बर्तमान एठार आपणकर आधार नंबर को टाइप कर दिंतु। तापर आप नेक्स्ट रे क्लिक करूँ। बर्तमान आपणकर आधार कार्ड जो मोबाइल नंबर टी लिंक अच्छे से ही नंबर रे गोटे ओटीपी जीव, से ही ओटीपी को एठार आप टाइप कर दिंतु। तापर आप कंटिन्यू रे क्लिक करूँ। बर्तमान आप तलाक स्क्रोल करूँ, एठार आप एलाउ रे क्लिक करूँ। बर्तमान देखु एठार आपणकर ना एवं एड्रेस आसीज, जदि यह करेक्ट अच्छी तेल आपड़ एठार दिज डिटेल्स आर करेक्ट यहाँ सिलेक्ट कर दिंतु। तापर आप प्रोसीडर क्लिक करूँ। बर्तमान एठार सिग्नेचर अपलोड करवाक पड़ो, एठार आप क्लिक कर दिंतु। एठार आप कैमेरा किंवा ब्राउजर सिग्नेचर टी अपलोड करेंगे, मुझे कैमेरा को सिलेक्ट करदे। बर्तमान आप गोटे प्लेन पेपर सिग्नेचर दे दिंतु। तापर आप मोबाइल बैक कैमेरा को ऑन करके यहाँ फोटो उठे नियंतु। आप जो पेपर सिग्नेचर करेंगे से ही पेपर टी व्हाइट पेपर होता दरकार, सिग्नेचर टी क्लियर देखा जाता दरकार, नहले अपलोड हेबो नाही। तापर आप राइट रे क्लिक करूँ। बर्तमान देखु सिग्नेचर टी अपलोड हो। बर्तमान आप तलक स्क्रोल करूँ, एठार आप सबमिट रे क्लिक कर दिंतु। बर्तमान आप ओपन न्यू ICICI डीमैट अकाउंट यहाँ सिलेक्ट करके नेक्स्ट रे क्लिक करूँ। जदि आप नॉमिनी एड करवाक चाहती तेल आप सिलेक्ट करेंगे, किंतु जदि आप नॉमिनी एड करवाक चाहूना आप सिलेक्ट करके एठार आप टिक कर दिंतु। तापर एठार प्रोसीडर क्लिक करूँ। तापर एठार आप प्रोसीडर क्लिक करूँ। बर्तमान एठार फादर फास्ट नेम को टाइप करवाक पड़ो, मुझे फादर फास्ट नेम को टाइप करदे। जदि मिडिल नेम अच्छी तेल एठार टाइप करेंगे, किंवा एठार आप लास्ट नेम को टाइप कर दिंतु। बर्तमान एठार आपणकर जेंडर को सिलेक्ट कर दिंतु। तापर आपणकर मैरिटल स्टेटस को सिलेक्ट कर दिंतु। तापर एठार आपणकर एजुकेशनल क्वालिफिकेशन सिलेक्ट करवाक पड़ो, आपण जिते पढ़ी एठार सिलेक्ट करेंगे। तापर आप सबमिट रे क्लिक करूँ। बर्तमान एठार देखु ओकुपेसन आपण क्यों काम करते सिलेक्ट करवाक पड़ो, मुझे स्टूडेंट को सिलेक्ट करदे। देखु प्राइमरी सोर्स ऑफ इनकम
आपण କେଉଁ ସୋର୍ସରୁ ଇନକମ୍ କରୁଛନ୍ତି ଏଠାରେ ସିଲେକ୍ଟ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଯଦି ଆପଣ ସାଲାରୀ କିମ୍ବା ବିଜନେସ୍ରୁ ଇନକମ୍ କରୁଥିବେ ତାହେଲେ ଏଠାରେ ସିଲେକ୍ଟ କରିପାରିବେ। ମୁଁ ଅଦରକୁ ସିଲେକ୍ଟ କରିଦେଉଛି। ତାପରେ ଏନୁଆଲ୍ ଇନକମ୍ରେ ବିଲୋ 1 ଲକ୍ଷ ଏହାକୁ ସିଲେକ୍ଟ କରିଦେଉଛି। ତାପରେ ଆପଣ ତଳକୁ ସ୍କ୍ରଲ୍ କରନ୍ତୁ। ଏଠାରେ ଆପଣ ପ୍ରୋସିଡ୍ରେ କ୍ଲିକ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଠାରେ ଆପଣ ସବମିଟ୍ରେ କ୍ଲିକ୍ କରନ୍ତୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଠାରେ ଆପଣ ଆଇ ଆମ୍ ୟୁଜିଂ ମୋବାଇଲ୍ ଅର୍ ଲ୍ୟାପଟପ୍ ଏହାକୁ ସିଲେକ୍ଟ କରିକି ପ୍ରୋସିଡ୍ରେ କ୍ଲିକ୍ କରନ୍ତୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣ ଏଲାଉରେ କ୍ଲିକ୍ କରନ୍ତୁ। ତାପରେ ଆପଣ ତଳକୁ ସ୍କ୍ରୋଲ୍ କରିକି ଏଠାରେ ଆପଣ ପ୍ରୋସିଡ୍ ଟୁ ଟେକ୍ ସେଲ୍ଫି ଏଠାରେ କ୍ଲିକ୍ କରନ୍ତୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣ ଏଲାଉରେ କ୍ଲିକ୍ କରନ୍ତୁ। ଏଠାରେ ଆପଣଙ୍କର ମୋବାଇଲ୍ର ଲୋକେସନ୍ଟି ଅନ୍ ହୋଇଥିବା ଦରକାର। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣ ସେଲ୍ଫି ଫଟୋଟି କ୍ୟାପ୍ଚର୍ କରିନିଅନ୍ତୁ। ତାପରେ ଆପଣ ଓକେରେ କ୍ଲିକ୍ କରିକି କଣ୍ଟିନ୍ୟୁରେ କ୍ଲିକ୍ କରନ୍ତୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଠାରେ ପାସୱାର୍ଡ଼ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏଠାରେ ଆପଣ ଯେଉଁ ପାସୱାର୍ଡ଼ ଟାଇପ୍ କରିବେ ସେହି ପାସୱାର୍ଡ଼ରେ କ୍ୟାପିଟାଲ୍ ଲେଟର୍, ସ୍ମଲ୍ ଲେଟର୍ ଏବଂ କିଛି ସ୍ପେଶାଲ୍ କ୍ୟାରେକ୍ଟର୍ ଥିବା ଦରକାର। ତାପରେ ଆପଣ ଏଠାରେ କନଫର୍ମ ପାସୱାର୍ଡ଼ରେ ପାସୱାର୍ଡ଼କୁ ଆଉ ଥରେ ଟାଇପ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ତାପରେ ନେକ୍ସଟରେ କ୍ଲିକ୍ କରନ୍ତୁ। ତାପରେ ଆପଣ ଏଠାରେ ଟିକ୍ କରିକି ଆଇ ଆକ୍ସେପ୍ଟ ଆଣ୍ଡ୍ ଇସେଣ୍ଟ ଏଠାରେ କ୍ଲିକ୍ କରନ୍ତୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣ ଏଠାରେ ଟିକ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ତାପରେ ଏଠାରେ ଆପଣଙ୍କର ଆଧାର ନମ୍ବରକୁ ଟାଇପ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ତାପରେ ଆପଣ ସେଣ୍ଡ ଓଟିପିରେ କ୍ଲିକ୍ କରନ୍ତୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣଙ୍କର ଆଧାର କାର୍ଡ଼ରେ ଯେଉଁ ମୋବାଇଲ୍ ନମ୍ବରଟି ଲିଙ୍କ୍ ଅଛି ସେହି ନମ୍ବରରେ ଗୋଟିଏ ଓଟିପି ଯିବ। ଏଠାରେ ଆପଣ ସେହି ଓଟିପିକୁ ଟାଇପ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ତାପରେ ଆପଣ ଭେରିଫାଏ ଓଟିପିରେ କ୍ଲିକ୍ କରନ୍ତୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠାରେ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ୍ ପ୍ରୋସେସ୍ଟି କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହୋଇଯାଇଛି। ତାପରେ ଆପଣ 24 ଘଣ୍ଟା ୱେଟ୍ କରନ୍ତୁ। ତାପରେ ଆପଣ ପ୍ଲେ ଷ୍ଟୋର୍କୁ ଓପନ୍ କରିନିଅନ୍ତୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଠାରେ ଆପଣ ICIC ଡାଇରେକ୍ଟ ଲେଖିକି ସର୍ଚ୍ଚ କରନ୍ତୁ। ଦେଖନ୍ତୁ ପ୍ରଥମେ ଆସିଯିବ ICIC ଡାଇରେକ୍ଟ ମୋବାଇଲ, ଏହାକୁ ଆପଣ ଇନଷ୍ଟଲ୍ କରିନିଅନ୍ତୁ। ତାପରେ ଆପଣ ଓପନ୍ରେ କ୍ଲିକ୍ କରନ୍ତୁ। ଏଠାରେ ଆପଣ ହ୍ୱାଇଲ୍ ୟୁଜିଂ ଦ ଆପ୍ ଏଠାରେ କ୍ଲିକ୍ କରନ୍ତୁ। ଆଉ ଥରେ କ୍ଲିକ୍ କରନ୍ତୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଠାରେ ଆପଣ ଲଗ୍ଇନ୍ ବଟନ୍ରେ କ୍ଲିକ୍ କରନ୍ତୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠାରେ ୟୁଜର୍ ଆଇଡ଼ି ଏବଂ ପାସୱାର୍ଡ଼ ଦେଇକି ଲଗ୍ଇନ୍ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଯଦି ଆପଣ ୟୁଜର୍ ଆଇଡ଼ି ଏବଂ ପାସୱାର୍ଡ଼ ଜାଣିନାହାନ୍ତି ତାହେଲେ ଏଠାରେ ଆପଣ ଫର୍ଗଟ୍ ପାସୱାର୍ଡ଼ ଏଠାରେ କ୍ଲିକ୍ କରନ୍ତୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଠାରେ ୟୁଜର୍ ଆଇଡ଼ି ଜାଗାରେ ଆପଣଙ୍କର ମୋବାଇଲ୍ ନମ୍ବରକୁ ଟାଇପ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ତାପରେ ଏଠାରେ ଡେଟ୍ ଅଫ୍ ବାର୍ଥକୁ ସିଲେକ୍ଟ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ତାପରେ ଏଠାରେ ଆପଣଙ୍କର ପାନ୍ କାର୍ଡ଼ ନମ୍ବରକୁ ଟାଇପ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଏଠାରେ ଆପଣ ଜେନେରେଟ୍ ଓଟିପି ଏଠାରେ କ୍ଲିକ୍ କରନ୍ତୁ। ତାପରେ ଆପଣଙ୍କ ମୋବାଇଲ୍ ନମ୍ବରରେ ଗୋଟିଏ ଓଟିପି ଯାଇଥିବ, ସେହି ଓଟିପିକୁ ଏଠାରେ ଆପଣ ଟାଇପ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ତାପରେ ସବମିଟ୍ରେ କ୍ଲିକ୍ କରନ୍ତୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠାରେ ନୂଆ ପାସୱାର୍ଡ଼ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏଠାରେ ଆପଣ ଯେଉଁ ପାସୱାର୍ଡ଼ଟି ଦେବେ ସେହି ପାସୱାର୍ଡ଼ରେ କ୍ୟାପିଟାଲ୍ ଲେଟର୍, ସ୍ମଲ୍ ଲେଟର୍ ଏବଂ କିଛି ସ୍ପେଶାଲ୍ କ୍ୟାରେକ୍ଟର୍ ଥିବା ଦରକାର। ତାପରେ କନଫର୍ମ ପାସୱାର୍ଡ଼ରେ ଆପଣ ପାସୱାର୍ଡ଼କୁ ଆଉ ଥରେ ଟାଇପ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଠାରେ ଆପଣ କ୍ରିଏଟ୍ ପାସୱାର୍ଡ଼ରେ କ୍ଲିକ୍ କରନ୍ତୁ। ଦେଖନ୍ତୁ ପାସୱାର୍ଡ଼ଟି କ୍ରିଏଟ୍ ହୋଇଯାଇଛି। ଏଠାରେ ଆପଣ ଓକେରେ କ୍ଲିକ୍ କରନ୍ତୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣ ଏହି ଆପ୍କୁ କ୍ଲୋଜ୍ କରିକି ଆଉ ଥରେ ଓପନ୍ କରିନିଅନ୍ତୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଠାରେ ଆପଣ ଲଗ୍ଇନ୍ ବଟନ୍ରେ କ୍ଲିକ୍ କରନ୍ତୁ। ଏଠାରେ ୟୁଜର୍ ଆଇଡ଼ି ଜାଗାରେ ଆପଣଙ୍କର ମୋବାଇଲ୍ ନମ୍ବରକୁ ଟାଇପ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ତାପରେ ଆପଣ ଯେଉଁ ପାସୱାର୍ଡ଼ଟି ଦେଇଥିଲେ ସେହି ପାସୱାର୍ଡ଼କୁ ଏଠାରେ ଟାଇପ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ତାପରେ ଏଠାରେ ଆପଣଙ୍କର ପାନ୍ କାର୍ଡ଼ ନମ୍ବରକୁ ଟାଇପ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ତାପରେ ଲଗ୍ଇନ୍ରେ କ୍ଲିକ୍ କରନ୍ତୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଠାରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଣ୍ଟର୍ ଆକ୍ସେସ୍ କୋଡ଼୍, ଏଠାରେ ଆପଣ ଯେକୌଣସି 6ଟି ନମ୍ବରକୁ ଟାଇପ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ତାପରେ କନଫର୍ମରେ ଆପଣ ସେହି 6ଟି ନମ୍ବରକୁ ଆଉ ଥରେ ଟାଇପ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ତାପରେ ଆପଣ ରେଜିଷ୍ଟର୍ରେ କ୍ଲିକ୍ କରନ୍ତୁ। ଏଠାରେ ଆପଣ ୟେସ୍ରେ କ୍ଲିକ୍ କରନ୍ତୁ। ଏଠାରେ ଆପଣ ଆଉ ଥରେ ଓକେରେ କ୍ଲିକ୍ କରନ୍ତୁ। ତାପରେ ଅନ୍ମେପ୍ ମି ଫ୍ରମ୍ ଦିସ୍ ଡିଭାଇସ୍ ଏଠାରେ କ୍ଲିକ୍ କରନ୍ତୁ। ଓକେରେ କ୍ଲିକ୍ କରନ୍ତୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଠାରେ ଆପଣ 3 ଲାଇନ୍ରେ କ୍ଲିକ୍ କରନ୍ତୁ। ଯଦି ଆପଣ ରେଫର୍ କରିକି ପଇସା ଇନକମ୍ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଏଠାରେ ଆପଣ ରେଫର୍ ଏ ଫ୍ରେଣ୍ଡ ଏଠାରେ କ୍ଲିକ୍ କରନ୍ତୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠାରେ ପର୍ ରେଫରାଲ୍ 300 ଟଙ୍କା ଲେଖାଏଁ ଶୋ କରୁଛି। ଏଠାରେ ଆପଣଙ୍କର ମୋବାଇଲ୍ ନମ୍ବରକୁ ଟାଇପ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ତାପରେ ଆପଣ ଗୋରେ କ୍ଲିକ୍ କରନ୍ତୁ। ଏଠାରେ ଆପଣ କ୍ଲିକ୍ କରିକି ଜେରେଟ୍ ଲିଙ୍କ୍ରେ କ୍ଲିକ୍ କରନ୍ତୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଠାରେ ଆପଣ ସେୟାର୍ ବଟନ୍ରେ କ୍ଲିକ୍ କରନ୍ତୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଏହି ଲିଙ୍କ୍କୁ ଆପଣ ଫେସବୁକ୍, ହ୍ୱାଟ୍ସଅପ୍ କିମ୍ବା ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମ୍ରେ ସେୟାର୍ କରିପାରିବେ। ମୁଁ ହ୍ୱାଟ୍ସଅପ୍ରେ ସେୟାର୍ କରିଦେଉଛି। ଏହି ଲିଙ୍କ୍ରୁ କ୍ଲିକ୍ କରିକି ଯିଏ ବି ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ୍ଟି ଯଦି କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ କରିଦେଉଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କୁ 300 ଟଙ୍କା ମିଳିଯିବ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଲିଙ୍କ୍ରୁ କିଏ କିଏ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ୍ କରିଛନ୍ତି ତାହା ଚେକ୍ କରିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଏଠାରେ ଆପଣ ରେଫର୍ ଏ ଫ୍ରେଣ୍ଡ ଏଠାରେ କ୍ଲିକ୍ କରନ୍ତୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠାରେ ୟୋ ରେଫରାଲ୍ ଆଣ୍ଡ୍ ରିୱାର୍ଡ଼ ଏଠାରେ କ୍ଲିକ୍ କରନ୍ତୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣ ତଳକୁ ସ୍କ୍ରୋଲ୍ କରନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କ ଲିଙ୍କ୍ରୁ ଯିଏ ଯିଏ ମଧ୍ୟ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ୍ କରିଥିବେ ଏଠାରେ ତାଙ୍କ ନାଁଗୁଡ଼ିକ ଶୋ କରିବ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠାରେ ରିୱାର୍ଡ଼ ସ୍ଟାଟସ୍ରେ 200 ଟଙ୍କା ଲେଖାଏଁ ଶୋ କରୁଛି। ଏଠାରେ ଆପଣ ପେଣ୍ଡିଂରେ କ୍ଲିକ୍ କରନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କ ଲିଙ୍କ୍ରେ କ୍ଲିକ୍ କରିକି ଯେଉଁମାନେ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ୍ଟି କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ କରିନଥିବେ ତାଙ୍କ ନାଁଗୁଡ଼ିକ ଏଠାରେ ଶୋ କରିବ। ଏଠାରେ ଆପଣ ଆକାଉଣ୍ଟ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରନ୍ତୁ।
बर्तमान देखु जो मैंने रेजिस्ट्रेशन प्रोसेस टी कम्प्लीट करेंगे ना गुड़िकार शो कर बर्तमान आपण मनरे निश्चय प्रश्न थी आपण तो 300 टाँचा कहते कि 200 टाँचा लेखा शो करुच्ची बाकी 100 टाँचा केमी मिल बाकी 100 टाँचाटी पाइबापी आपत जहाँ रेफर करेट्रे 50 टाँचा एड करा पड़ो जेकोसी गोटे ट्रांजाक्शन करा पड़ो फास्ट ट्रांजाक्शन टी कम्प्लीट करने आप थ्री लाइन में क्लिक करूँ एठार आप ट्रेड एंड इन्वेस्ट एठारे क्लिक करूँ बर्तमान एठार आप एलोकेट फंड्स एठारे क्लिक करूँ बर्तमान एठार आप एड फंड्स क्लिक करूँ देखे हाउ मच अमाउंट एठार आप 50 रुपीज टाइप करदु बर्तमान आप तौक स्क्रोल करूँ एठार आप अदर यूपीआई आप्स यहाँ सिलेक्ट करूँ तापर आप प्रोसीडर क्लिक करूँ बर्तमान एठार आप फोन पे गूगल पे कि पेटीएम साहय 50 टाँचाटी एड करेंगे मुझे फोनपे को सिलेक्ट करदे बर्तमान आपत रेजिस्ट्रेशन समय जो बैंक आकाउंट एड करते से ही बैंक आकाउंट को सिलेक्ट कर दिंतु तापर आप सेंड्रे क्लिक करूँ तापर एठार आपणकर यूपीआई पिन को टाइप कर दिंतु तापर आप रेट्रे क्लिक करूँ देखे पेमेंट टी फेल हो जाए आपणकर पेमेंट टी फेल हो जाए आप नेट बैंकिंग साहय 50 टाँचाटी एड करेंगे मुझे 50 टाँचाटी नेट बैंकिंग साहय एड करदे मुझे नेट बैंकिंग को सिलेक्ट करके प्रोसीडर क्लिक करुच्चे एठार आप आउ थे प्रोसीडर क्लिक करूँ बर्तमान ठार आपंक नेट बैंकिंग यूजर आई डी और पासवर्ड को टाइप कर दिंतु तापर आप लॉगिन रे क्लिक करूँ एठार आप कन्फर्म रे क्लिक करूँ बर्तमान आपण मोबाइल नंबर गोटे ओटीपी जाइए से ही ओटीपी को एठार आप टाइप कर दिंतु तापर कन्फर्म रे क्लिक करूँ बर्तमान आप देखिपे ट्रांजाक्शन टी कम्प्लीट हो जाए 50 टाँचा एड हो जाए बर्तमान मुझे जो प्रोसेस टी बतेबी यही प्रोसेस टी आप सोमवार शुक्रवार 9:15 to 3:30 भितर ही करेंगे कहीं शेयर मार्केट टी टाइम हिं ओपन रही है तापर आप थ्री लाइन में क्लिक करूँ एठार आप ट्रेड एंड इन्वेस्ट एठार क्लिक करूँ बर्तमान एठार आप इक्विटी क्लिक करूँ एठार आप कैश बाय एठार क्लिक करूँ बर्तमान एठार आप एनएससी को सिलेक्ट करके स्टॉक रे आप वाईएसबी टाइप कर दिंतु देखु प्रथम आसीज येस बैंक लिमिटेड यहाँ सिलेक्ट करके क्वांटिटी 2 टाइप कर दिंतु तापर एठार आप मार्केट को सिलेक्ट करूँ देखु मार्केट प्राइस 12.55 अच्छी मु क्वांटिटी 2 सिलेक्ट करें 25 रुपीज शो करुच्चे आप बाय नाउ एठार क्लिक करूँ एठार आप प्रोसीडर क्लिक करूँ एठार आप एड्रे क्लिक करूँ बर्तमान एठार आप अर्डर बुक एठार क्लिक करूँ जदि आपन एति की प्रोसेस कंप्लीट कर देउछन्ती ताले बाकी 100 टंका 24 घंटा भितर आपण अकाउंट डिपोजिट हो शनिवार और रविवार पैसा टी डिपोजिट हुए ना कहीं शनिवार और रविवार ऑफिस छुट्टी रही थाए जदि आप 50 टाँचा एड करते 50 टाँचा को मैं विड्रॉ करने को चाहते एठार आप थ्री लाइन में क्लिक करूँ तापर एठार आप इक्विटी क्लिक करूँ बर्तमान आप कैश सेल एठार क्लिक करूँ तापर एठार आप एनएससी यहाँ सिलेक्ट करके स्टॉक आप जो स्टॉक टी किनी से स्टॉक को सेल करा पड़ो मुझे येस बैंक को सिलेक्ट कर देपर एठार क्वांटिटी 2 टाइप कर दिंतु तापर एठार मार्केट को सिलेक्ट करूँ तापर एठार आप सेल नाउ रे क्लिक करके प्रोसीडर क्लिक करूँ तापर आप ऑर्डर बुक एठार क्लिक करूँ बर्तमान देखु ट्रांजाक्शन टी कम्प्लीट हो जाए एठार आप थ्री लाइन में क्लिक करके एलोकेट फंड एठार क्लिक करूँ बर्तमान एठार आप ट्रेडिंग अकाउंट बैलेंस एठार क्लिक करूँ देखु 24.70 अच्छी मुझे 24.70 टाइप करदे तापर एठार आप रिड्यूस क्लिक करूँ एठार आप प्रोसीडर क्लिक करूँ एठार देखु ट्रांजाक्शन टी कम्प्लीट हो जाए एठार ओके रे क्लिक करूँ तापर एठार आप एलोकेट फंड्स एठार क्लिक करके देखु 25.30 शो करुच्छे मुझे 25 टाँचा टाइप करदे रिड्यूस क्लिक करके एठार आप प्रोसीडर क्लिक करूँ तापर ओके रे क्लिक करूँ बर्तमान आप 50 टाँचा एड करते 50 टाँचाटी 24 घंटा भितर अकाउंट डिपोजिट हो जदि आपण एतिकी प्रोसेस कंप्लीट कर देउछंती ताहले आपणकु आम तरफ 100 टंका दिया जिवो डिस्क्रिप्शन रे आमर व्हाट्सएप नंबर मिली जिवो आपण माने आम सहित कांटेक्ट करि परिबे एही पर भाबर आपण जेते जणकु रेफर करि परिबे सेते अधिक टंका इनकम करि परिबे जदि भिडियोटी भल लागिला ताहले भिडियोकु लाइक करंतु एवं आम चैनलकु सब्सक्राइब कर दंतु।